हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज हम वेस्टर्न स्कूल करेंगे। वैसे तो चैप्टर की फुल डिटेल की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है एंड ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा एंड आपने सेम ऐसे ही ये नोट्स अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। तो पाला स्कूल के नोट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है एंड ये है वेस्टर्न स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10th सेंचुरी से 16th सेंचुरी एडी तक है। इस स्कूल में जो भी आर्ट की एक्टिविटी होती थी वो जैन के अंडर होती थी। जो जैन रिलीजन था ना, उसके अंडर होती थी। जो जैनीज होते थे वही आर्ट को डेवलप करते थे एंड इस स्कूल में एक डायनेस्टी थी जो रूल करती थी, चालुक्य डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी इसने गुजरात के कई इलाके और मालवा पे रूल किया था, मतलब कि गुजरात और राजस्थान एंड मालवा, यहाँ पे उसने रूल किया था इस डायनेस्टी ने। इस डायनेस्टी की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है जो वो तीर्थंकर परसवनाथ, नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ की ही है। ये परसवनाथ, नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ ये आर्टिस्ट थे उस टाइम के एंड ये तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकरस क्या होते हैं, जो लोग मतलब कि तपस्या करके नॉलेज प्राप्त करते हैं ना, उनको तीर्थंकरस बोलते हैं। तो इन तीर्थंकरस की जो पेंटिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है एंड इनको नंबर्स में डिवाइड किया जाता था, मतलब कि जो ये तीर्थंकरस होते हैं ना, जो ये तपस्वी होते हैं, ये टोटल 23 होते हैं। मतलब उस टाइम में 23 तीर्थंकरस थे, जिनमें ये जो परसवनाथ है ये 23rd नंबर पे था एंड ये जो नेमिनाथ है ये 27 नंबर पे था और जो ये ऋषभनाथ है ये 1st नंबर पे था। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया। फिर टोटल 23 तीर्थंकरस होते थे, मतलब तपस्वी होते थे, जिनमें से ये जो परसवनाथ है वो 23rd नंबर पे सी एंड जो नेमिनाथ है वो 27 नंबर पे सी और जो ऋषभनाथ है वो 1st नंबर पे सी। तो ये हो गया तीर्थंकरस के बारे में थोड़ी सी डिटेल। और इस स्कूल में, वेस्टर्न स्कूल में जो मैनोस्क्रिप्ट बनी थी, मतलब कि स्कूल विद जो मैनोस्क्रिप्ट बनी, मतलब जो बुक यहाँ पे इलस्ट्रेट करवाई गई, जो भी बुक यहाँ पे बनाई गई जिसमें पेंटिंग्स बनती थी, मिनिएचर पेंटिंग बनती थी, उसमें टोटल 20 मैनोस्क्रिप्ट पेंट हुई। मतलब कि इसमें टोटल 20 मैनोस्क्रिप्ट जो बुक होती है वो यहाँ पर बनाई गई, जो जिसकी लोकेशन, मतलब ये बुक आज के टाइम में कहाँ पर है, उसकी जो लोकेशन है वो मैनी प्लेसेस ऑफ इंडियन एंड जैन लाइब्रेरीज। इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस और जैन लाइब्रेरीज में ये मैनोस्क्रिप्ट अभी लोकेटेड है एंड ये जो मैनोस्क्रिप्ट बनी थी इसका स्टाइल काफ़ी यूनिक था। मैनोस्क्रिप्ट स्टाइल जो था वो बहुत यूनिक, मतलब कुछ अलग ही था पाला स्कूल से। तो इसमें जो भी फिगर बनती थी उसका जो पोर्ट्रेचर था, उसकी जो फीचर्स की डिटेल थी, वो क्या बनाते थे, इनकी जो पोर्ट्रेट में आइज, ब्रेस्ट एंड लिप्स जो बनते थे वो इलोंगेटेड बनते थे, मतलब कि बड़े साइज के बनते थे। आइज भी बड़ी बनाते थे और लिप्स भी बहुत बड़े बनाते थे। इनकी जो फिगर बनती थी वो फ्लैट फिगर होती थी, मतलब कि उस जैसे कह सकते हो कि आप उसमें लाइट एंड शेड नहीं होता था, जिसकी वजह से वॉल्यूम नहीं आती थी, वो फ्लैट होती थी। एंड जो फीचर्स होते थे इसके, यहाँ पे जो फीचर्स होते थे वो एंगुलैरिटी में होते थे, मतलब कि अलग अलग एंगल से जो फीचर्स बनते थे। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में जो कॉमन मैन होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, उनकी लाइफ शो की जाती थी और इसमें वो ब्राइट कलर यूज़ करते थे। तो हमने जो वेस्टर्न स्कूल का टाइम पढ़ा था वो 10th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच का था। तो उसी टाइम में 1100 से 1400 सेंचुरी एडी में क्या हुआ कि उस टाइम पे जो पेंटिंग बनती थी, पहले वो पाम लीफ पे बनती थी पेंटिंग, बाद में क्या हुआ कि हैंडमेड पेपर आ गया, उस पर फिर पेंटिंग जो है बनाई जाने लगी। तो इस स्कूल में दो पॉपुलर जैन टेक्स्ट थे, जिनमें से एक तो था कल्पा सूत्रा एंड दूसरा था कल्काचार्य का था। जो कल्पा सूत्रा है ये बुक की नेम है, मतलब कि जैन टेक्स्ट ही है। जैसे ये कल्पा सूत्रा बुक है, ये एक रिचुअल बुक है एंड इस बुक में क्या शो किया है, इसमें उन्होंने महावीर और कुछ इम्पोर्टेंट जिनास की जो बायोग्राफी है वो लिखी है
महावीर मतलब जो थे महावीर, जो हमने पीछे तीर्थंकारस पढ़ा, ये महावीर जो थे ये 24th नंबर वाले तीर्थंकार थे, मतलब तपस्वी थे। ओके, मतलब तपस्या करते थे महावीर। और कुछ जिन्नास की मतलब बायोग्राफी है, तो ये जो कल्पा सूत्रा बुक है ये एक धार्मिक बुक थी, मतलब कि एक रिचुअल बुक थी, एंड इसको सिर्फ जैन लोगों के जो मंक होते हैं ना, जो मतलब कि जैनिज्म में जो भी मंक होते हैं, जो बुद्धा के फॉलोवर्स होते हैं, ये बुक सिर्फ वही पढ़ सकते थे। एंड जो इसमें दूसरी है कालकाचार्य कथा, जिसमें स्टोरी ऑफ द टीचर कालका, इसमें टीचर था एक कालका, उसकी स्टोरी जो है लिखी गई है। तो ये वेस्टर्न स्कूल में इतना ही था, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने नोट्स रेडी कर लेना। मैंने एक बार इसमें शॉर्टकट में आपको मेन मेन पॉइंट्स जो है समझा दिए हैं, बट इसकी फुल डिटेल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न स्कूल के नोट्स, जो मैंने बहुत ईजी करके बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना।